फरीदाबाद से महामंडलेश्वर मुनि जी महाराज के NH 5 में स्थित सर्वेश्वर मंदिर में फूलों की होली का भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर वृंदावन धाम से कई कलाकार आए जिन्होंने होली के रसिया भजन गाए हैं। वहीं बटखल की विधायक सीमा त्रिका ने पहुंच करके मुनि जी महाराज का आशीर्वाद लिया। दूसरी ओर मुनि जी महाराज ने श्याम संगनाथ खेलो होली गा करके श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। उन्होंने कहा कि होली का अर्थ है होली यानी जो बीत गया है उसको भुला करके सबको गले लगा लिया जाए। तो आपको बताते चले सर्वेश्वर मंदिर में होली का आयोजन होता है। वृंदावन से आए कलाकार होली के रसिया और भजन गाते हैं। विधायक सीमा त्रिकरा ने इसमें शिरकत की। आइए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। वहीं आपको बताते चले कि गुरुग्राम में इस समय सफाई अभियान जोरों पर चल रहा है। जो आपको बताते चले करीब 5 लाख से ज्यादा लोग इस समय गुरुग्राम की सफाई में जुटे हुए हैं। डेरा सच्चा सौदा का 33वां महासफाई अभियान शुरू हुआ। साथ ही साथ इस अभियान में लाखों श्रद्धालु देश विदेश से पहुंचे। इस अभियान की शुरुआत डेरा सच्चा सौदा के संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी ने करी थी। और आपको बता दें सफाई अभियान की भी जमकर तारीफ की जा रही। दरअसल गुरुग्राम में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम के अनुयायियों ने सड़कों पर उतरकर पूरे गुरुग्राम की सफाई की है। और गुरुग्राम की हाईवे हो या फिर गली मोहल्ले या सड़कें हों, हर जगह राम रहीम के अनुयायियों ने सड़क पर पहुंच करके सफाई करी है। स्वच्छता के लिए आई हूँ, सफाई अभियान के लिए आई हूँ। चार दोनों भी इसे माता गया है, आगे सर्वोत्तम मनाए हैं। जिम्मे वालों ने उल्टी ये जो है साफ सफाई करना है, गुरुजी की शिक्षाएं हैं। इससे पहले भी 31वां सफाई महा अभियान है और बहुत सारी बीमारियां, बहुत मतलब इतना जो है गंद उठाया है, इससे जो है वातावरण शुद्ध जरूर होगा। आपके पापा यहाँ पर ऊपर गए थे पब्लो, इसलिए दर्शन करने आए। ये तो बिल्कुल एक पॉइंट है ही कि दर्शन करने आए, साथ में जैसे प्रशासन की मंजूरियां हैं उस हिसाब से जहाँ भी और कहीं भी अगर होता है तो संगत जो है रेडी है। हम जो है पर्सनली मैं 30 में से 17-18 जगह गया हूँ। एग्जैक्ट पोजीशन तो हमारे पास शाम को आ जाएगी, लेकिन करीब करीब 5 लाख से ज्यादा अनुयायी हैं। जो हमारा मकसद बस यही जो गुरुजी ने सिखाया है, डेरा सच्चा सौदा द्वारा 138 मानवता भलाई कार्य किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में जो स्वच्छता अभियान 2011 से शुरू किया गया था, अब तक गुरुजी की पावन प्रेरणा पे चलते हुए 32 से ज्यादा शहरों को हमने साफ किया जी। तो आपके गुरुजी के दर्शन हुए आपके? नहीं, गुरुजी के दर्शन तो ऐसा है जी, अभी जैसे गुरुजी ने आदेश दिया या मैनेजमेंट मिली थी तो गुरुजी प्रबल पे आए थे तो यही आदेश दिए थे कि अभी सात संगत ने जाना नहीं है, हुक्म नहीं है। तो हमारी संगत तो ऐसी है जैसे आप एक कच्चा धागा लगा दो, वो धागे को भी टच नहीं करती। देखो जी, ये हमारे गुरु की शिक्षा है कि आप सफाई अभियान करो। और वो कौन सा नारा है अपना? ओ पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप। 21 दिन के लिए आपके जो यहाँ पर बाबा है वो यहाँ पर उपकर गए थे, परलोक पे आए थे, इसलिए आपको ये साफ कर रहे हैं? हाँ जी, हम एक्चुअली दर्शन नहीं कर पाए, मतलब वो कुछ गुरुजी की मजबूरी क्या लोगे भी, उनको एक ही प्लेस पे साइन करने पड़े, भी वहीं से बाहर नहीं जाएंगे, कुछ सिक्योरिटी का क्वेश्चन भी था। तो इस हम दर्शन नहीं कर पाए तो हमने सब ये योजना बनाई कि जहाँ हमारे गुरुजी रहे 21 दिन भी उस जगह के हम दर्शन करके आए। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम रेनू है। कहाँ से आए हो आप? मैं पंचकुला से आई हूँ जी। तो आप यहाँ पर सफाई अभियान शुरू किया है, क्या मकसद आपका? हमारा मकसद बस गुरुग्राम की पूरी सफाई करनी है। हमारे गुरुजी यहाँ पे आए थे 21 दिन की परलो पर, तो वो यहाँ पे रुक के गए हैं, तो हमारा मकसद है कि हमने ये गुरुग्राम की पूरी सफाई करके जानी है। तो आगे भी सिटी को सिटी में जाएंगे आप? हाँ जी, आगे के देखेंगे और भी, जैसे सिटीज में पहले भी बहुत अभियान हो चुके हैं, पहले बहुत सिटीज में सफाई अभियान किया है हमने। कितने अनुयायी के अनुमान लगा जा सकता है गुड़गांव में? यहाँ से 70 से 80 लाख अनुयायी आज आए हुए हैं जी। तो ये अभियान कहाँ से शुरू किया गया था और इसका समर्थन कहाँ का होगा? हमारी पंचकुला की ड्यूटी यहाँ सिविल लाइन से हुई थी। जैसे अलग अलग सिटीज को अलग अलग एरिया दिए गए हैं, जैसे कोई कहीं सफाई कर रहा है, कोई कहीं सब्जी मंडी वगैरह, अलग अलग सिटी जगह दी गई है, तो सारे अलग अलग जगह पे लगे हुए हैं सफाई में।